क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। अभी तुरंत प्राप्त जो जानकारी हुई है उस वजह से मैं खुद आप लोग के समक्ष आया हूं, क्योंकि ये विषय था जिसको प्रमुखता से मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाने का काम किया था। और जब मैंने इस विषय को उठाया था या इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, मैं लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूं, जो सरकार में विभिन्न पदों को लेकर जो नियुक्तियां निकाली गई थी और जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसके खिलाफ मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम किया था। पर जहां एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहाँ पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूँ। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा, प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा, उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा, उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया, समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया। इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंस भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आई रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो
या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों, इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी उसका उदाहरण है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के, ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूँ, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ करके इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब वंचित शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक आदेश आया था उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था, अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में स्केड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा है, आर्थिक नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा है। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था, ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही हैं। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही
एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए, तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया जाए, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज, और जो लोग चिंता जताते हैं आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया। भाई हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है, वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।